भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता इस कोरोना काल में इसकी विभीषिका में भीषण विभीषिका में कहूँ एक नया जोश नया उत्साह भरकर तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा कर देते हैं। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, बुझी हुई बाती सुलगा, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना बुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधिची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए। मैं डॉक्टर मधु गुप्ता डॉक्टर अनुपमा के साथ महाश्री गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रताप नगर जयपुर की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रोफेसर सुभाष शर्मा जी प्रिंसिपल महोदया को, जिन्होंने संवाद की इस दीप को प्रज्वलित करके कोरोना के समय जमी हुई संवादहीनता की बर्फ को तोड़ने का एक नव संदेश हम सबको दिया। आज हमारे संवाद के इस मंच पर ऐसी ही एक हस्ती मौजूद है जिसने खुद न केवल अंधेरे के दिए जलाए बल्कि जंगल की बीहड़ता में रौनकें लगा दी, पशु और पक्षियों के मौन को मुखरता प्रदान कर उन्हें संवाद से जोड़ दिया। नमस्कार रीना जी, रीना माथुर, रीना माथुर रिटायर्ड प्रोफेसर हेड जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिनके इंटरेस्ट के एरिया हैं एनिमल बिहेवियर एंड वाइल्ड लाइफ पे आपने बहुत काम किया है। आप यूएसए और ग्रीस में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। आपने यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, प्राग, हंगरी, चाइना, मलेशिया आदि की यात्रा करके वहाँ के जनजीवन को, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से समझा। साथ ही आपने नीलगिरी सांबर, नील गाय सांबर, चीतल, लंगूर आदि जो बर्ड्स और जानवर हैं उन पर रिसर्च किया और रिसर्च करके हमारे सामने उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार के बारे में हम लोगों के सामने रखा। आप लगभग अब तक करीबन 100 लेक्चर डिलीवर कर चुकी हैं, आपके 75 पब्लिकेशन छप चुके हैं, आपने 5 पुस्तकों का भी लेखन किया है और साथ ही आप कई एनजीओस और एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से आप नारी सशक्तिकरण का एक स्पष्ट संदेश दे रही हैं, क्योंकि आप महिला सभा सुरक्षा केंद्र बनी पार्क में जो एसोसिएशन है उसकी कन्वीनियर, उसकी फाउंडर मेंबर रही हुई है। ऐसे युवा 70 वर्षीय युवा रीना माथुर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए अनुपमा जी, आपसे निवेदन है कि जिनके दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, मुश्किल है बहुत मिल पाना ऐसा इंसान, ऐसे इंसान के साथ आज हमारी इस सुखद यात्रा को शुरू करते हैं आपके प्रश्नों के साथ। थैंक यू अनुपमा। रिसेप्शन रहा होगा अबाउट गर्ल एजुकेशन, तो उन्हों वहीं से हमारे ये बीज डाल दिया गया कि पढ़ना है और कुछ बनना है। जब माई पढ़ी लिखी डांसर, स्विमर, डॉक्टर थी तो हम तो क्या थे फिर, हमें तो उन्होंने इतना बढ़ावा दिया। तो हम बचपन से ही हमको बहुत उन्होंने वो किया, प्रमोट किया। तो आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज ए प्लेयर, आई वॉज ए सिंगर, मतलब हर चीज को वो प्रमोट करती थी। तो मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी डेवलप होने लग गई ऑलरेडी शुरू से ही। फिर पढ़ाई करी स्कूल से, कॉलेज में गए महारानीज कॉलेज में, तो सी दैट कॉन्फिडेंस विच यू ऑल्सो सी इट नाउ हैज बीन इनकल्केटेड मेनी ईयर्स अगो बाय माय मदर एंड फादर। फिर एमएससी पीएचडी कर ली, डिपार्टमेंट में लेक्चरर बन गए, फिर बाहर चले गए पढ़ने के लिए, दैट एडेड टू दी पर्सनैलिटी and the confidence which you have in yourself and in your subject. So, brief mein to ye mere academics to ye rahe hain throughout first divisioner, gold medalist and trained abroad and
इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, तो ये है बेटा. बट ऑल माय लाइफ आई हैव लव्ड माय स्टूडेंट्स. That's so good of you. Ma'am, आप 1951 में born है. आप कौन से month में born है 1951 के? December 3rd. So ma'am, you shared the birthday with my father, who had been the principal of SMS Medical College. Dr. N.S. Shekhawat is his name. Achha. So I'm a Sagittarian. Open-hearted, extrovert are two of my personalities. Ma'am, I am also Sagittarian. क्या बात है? वेरी नाइस. आज तो सेजिटेरियंस मीटिंग हो गई. तो मधु जी कहेंगे सारी मीटिंग को इनफॉर्मल कर दिया मैडम रीना माथुर ने. नहीं नहीं, कोई नहीं, मीटिंग तो इनफॉर्मल ही होनी चाहिए, तभी संवाद आगे बढ़ता है. मधु मैं गहराइयों तक जाता है ना. आप जैसा अभी मेरे को देख रही हैं, ऐसे ही मैं हमेशा अपने छात्राओं छात्रों के साथ रही हूँ. और ये कारण है मेरे ओपन हार्टेड काइंडनेस का कि मेरे स्टूडेंट्स जो 35-35-40 साल पहले पढ़ते थे, 35 साल पहले, वो आज तक मुझे लिखते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट में रहते हैं. बिकॉज ऑफ माई नेचुरल बिहेवियर ऑल द टाइम. कोई बनावटी फ्रेंडली बिहेवियर, कोई बनावटी बना नहीं है इसमें. सही बात है मैम. आपकी जो है, आप ये किससे एसोसिएट करते हैं? हु डू यू एसोसिएट पर्सनालिटी विद? माय मदर डॉक्टर तारा माथुर. Wow. Okay. Who died very early. She was only 56 years old when she died. Oh. But my mother. And when I feel very proud when people tell me that I remind them of Dr. Tara Mathur. Kya baat hai ma'am. Ye unse charmed hain. Unhone hi hamari personality aisi banayi hai jaise tum dekh rahi ho. Kaun sa personality ka जो आपके अंदर बहुत सारा है? देखिए, पहले तो मैं अपनी मदर के ही लिए कहूंगी, ज्यादातर तो वही समाई हुई है. लेकिन मैं आगे चल के आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय साइंस में अगर पूछे तो डार्विन, जेन गुडाल, कार्ल सेगन, ये तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड रही. लेकिन और जब मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई किसी से, वो थी किरण बेदी. अगर मुझे पहले मिल जाती किरण बेदी या मुझे कोई इंस्पायर कर देता तो मैं शायद पुलिस में जाती. क्या बात है. एक और किरण बेदी देखते हैं, एक और किरण बेदी हम देखते मैम. बट स्टिल यू आर लाइक किरण बेदी मैम. वली पार्क थाने की भी कुछ नहीं है ना मैम, ने अपना सीवी मेरे से बताया हुआ है. मैं एक एनजीओ की मेंबर, उसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन. राजस्थान की महिलाएं प्रोफेसर थी, उन्होंने मिलके 1985 में बनाई थी. तब से मैं फाउंडर मेंबर्स में से हूँ. तो मैंने, हम लोगों ने एक सरकार एक केंद्र चलाती है जिसे कहते हैं महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र. वो पूरे राजस्थान में 42 हैं, जयपुर में 5 हैं. 5 महिला थाने हैं, उन महिला थानों में ये 5 महिला सलाह सुरक्षा केंद्र चलते हैं. और ये इसलिए चलते हैं क्योंकि ये एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं. तो जो औरतें आती हैं तो पहले ये देखा गया कि वो बहुत डरती थी थानों में जाते हुए, तो उनकी सुविधा कि वो डरे ना, तो ऐसी महिलाएं बैठाई गई जिनके पास हम प्यार से बात करते हैं, पुलिस वालों की भाषा नहीं बोलते हैं, कहते आओ बैठो बेटा, हम करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे. तो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र मैंने 10 साल चलाया. उसके बाद वो सरकार की पॉलिसी है, वो बदलते रहते हैं, बात किसी और एनजीओ को दे देते हैं. तो दे टुक इट फ्रॉम अस एंड नाउ इट्स बीइंग रन बाय सम अदर पीपल. ऑलराइट ग्रेट मैम. तो अभी ड्रीम के लिए पूछे, ड्रीम तो आई थिंक आई वुड हैव बीन एन एस्ट्रोनॉट. तो मैं बचपन से ये उस चीज को परस्यू करती. नहीं मैं बता पूछना चाहूं, मुझे कॉस्मोस
और प्लैनेट्स और स्काई, आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय दिस, तो दैट वुड हैव बीन माय चॉइस. That's so great. और since you are such a hard worker, born to such diligent parents, तो मैम किस पे भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं आप? You believe on hard works or you believe over the luck factor? देखिए, मैं कई चीजों में believe करती हूँ. एक तो luck, तो मैं इसलिए believe करती हूँ that I was born to my parents, those who were so nice. तो वो तो lucky हो गया ना, कहाँ पैदा हो गए आप. लेकिन वहां से हमारा हार्ड वर्क शुरू हुआ, क्योंकि हमारी मदर हमेशा कहती थी कि बेटा पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो कुछ नहीं बनोगे. और वो शी हरसेल्फ वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गर्ल एजुकेशन. तो मैं ये कहूंगी कि हार्ड वर्क भी बहुत रहा, लक तो बस मैं अपनी बर्थ को ही लक मानती हूँ, बाकी किसी को मैं लक नहीं मानती. बाकी हार्ड वर्क पेस बेटा, जितना हार्ड वर्क करते हैं ना. मैं बहुत मीडियोकर स्टूडेंट थी शुरू में स्कूल में, कभी सप्लीमेंट्री आ जाती, कभी कुछ आ जाती, तो मेरी मदर मुझे कहती थी कि तुम ना मेरी नाक कटाओगे, तुम सब बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ना नहीं. फिर हार्ड वर्क शुरू किया बहुत मैं, क्योंकि खिलाड़ी भी बहुत बड़ी रही. मेजर ध्यानचंद से मैंने हॉकी सीखी हुई है, मैं उनकी बड़ी फेवरेट थी. और लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन की लाइन बनेगी. तो बेटा हार्ड वर्क तो कहीं नहीं जाता, बिना हार्ड वर्क के तो बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती. एकदम सही बात बोल रहे हैं आप. तो मैं जो आज का यूथ है, आज का यूथ को मैं देखती हूँ, बैठे बैठे वो होता है ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके, दाता राम वाला व्यवहार करते. यू नो दे सिट एंड दे वेट फॉर द लक टू कम. तो ऐसे यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है मैम? ऐसे यूथ के लिए मैसेज है दैट यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. इतनी मुश्किल से तुम्हें ये योनि मिली है, धरती पर आए हो, तो कम से कम हार्ड वर्क तो करो, खूब मेहनत करो, दिन रात पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, क्या काम है तुमको. इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं. आप मानेंगे नहीं, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा कि बेटा क्लास के अलावा भी आया करो बात करने के लिए. टीचर से जितना इंटरेक्ट करोगी उतना ही तुम होशियार होते चले जाओगे. और ऐसा मेरे पास 50 एग्जाम्पल हैं जिन स्टूडेंट्स के, जिनको मैंने एनकरेज किया कि आया करो, बात किया करो, टीचर्स के पास बैठा करो, किताबें मांगने जाया करो. मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सही बात. तो मेहनत नहीं करते कुछ नहीं मिलता लाइफ में. सही बात एकदम. तो मैम ये बताइए कि आज अभी तक आप यहाँ तक पहुंचे, यू आर सो सक्सेसफुल, स्टूडेंट्स दे रियली लव यू, और अब बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेती हैं. हमें ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं तो आपको पता नहीं कब से ही जानती हूँ. तो मैम मुझे ये बताइए कि where do you see yourself from 10 years from now? अब आप, आपके क्या इंटरेस्ट इन द शमशान बेटा. इन दिसंबर आई विल बी 70 years old. अरे यार क्या करूंगी 80 years तक जीकर. अगर तुम कहती हो, अगर तुम पूछती कि आगे मैं और क्या अपने बारे में सोचती रहती हूँ, सो सी माय, मैं आज भी, मैंने 35 MSc के स्टूडेंट्स बैचेस पढ़ाए हैं, वो 35 के 35 व्हाट्सएप ग्रुप मेरे फोन में है. टिल टुडे आई मोटिवेट देम, ये करो, ये करो, ऐसे मत करो, वेरी गुड, ये तुम कर रहे हो. सो अब मैं सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर टाइप हो गई, समझ लीजिए आप. हाँ तो ये अच्छी बात है ना. अब आगे 10 years तक आप एक मोटिवेशनल स्पीकर रहेंगी, आपका सारा एक्सपीरियंस हमारे काम आने वाला है मैम. बस बेटा जो भी, जैसे अब है, आपकी प्रिंसिपल ने बुलाया, मैं आई थी वहां, तो मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को ये कहना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. आगे तुम्हारे प्रश्नों में भी आएगा शायद ये. अब तक प्रश्न आया है कि मैं 10 साल के बाद, 10 साल तो बेटा लेट्स सी मैम. आई वांट टू आस्क दैट, भगवान हर किसी को एक ना एक टैलेंट देके भेजता है. मुझे तो आपका टैलेंट दिख गया, आपके पास क्या क्या है मुझे आप बताइए. आपको लगता है ये मेरा USP है, लाइक दिस इज माय टैलेंट, ऐसा कौन सा टैलेंट?
always remain positive. So how do you manage to remain? अगर मैं उनमें से हूँ कि ग्लास रखा हुआ है पानी का, तो जो पेसिमिस्टिक बैठा है वो कहेगा अरे यार आधा ही ग्लास है. मैं कहूंगी आधा ग्लास भरा हुआ तो है, ये तो पी ले. तो ऑल माय लाइफ मेरी बहनें भी मुझे ये कहती हैं कि तेरी पॉजिटिविटी से कितना संबल रहता है. बी रिमेन पॉजिटिव अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. मर भी रही होंगी ना तो कहूंगी भगवान को कि भगवान तूने बहुत दिया. रिमेन पॉजिटिविटी. मेरे को लोग कहते हैं कि आप जब आके बैठती हैं तो आपके चारों तरफ से पॉजिटिविटी एक्ज्यूड हो रही होती है. When you come and visit and go, so सारे कमरे में पॉजिटिविटी का माहौल होता है. क्योंकि मैं ये कहती हूँ लोगों को कि हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखो ना, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है. तो मैम एक बार बताइए, अभी आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव होना चाहिए और समय चल रहा है पैंडेमिक का, बच्चों के एग्जाम्स नहीं हो पा रहे और हर ना हर किसी घर में कोई ना कोई डेथ, कभी क्या सुनने को मिल रहा है. ऐसे एनवायरमेंट में बच्चे, हम मदर्स, हम सब कैसे पॉजिटिव रहें? तुम लोग कैसे पॉजिटिव रहो? गुड क्वेश्चन. अभी मेरी बहन को कोरोना हुआ हुआ था मेरे घर में, मेरे से बड़ी बहन, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी टेंशन रही होगी. तो उसको मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, आइसोलेट हो जा, जितनी भगवान ने तेरे को सांसें लिख रखी है कोई नहीं छीन सकता. और आप मानेंगे नहीं, 15 दिन में वो ठीक हो गया, आज बाहर घूम रही आराम से. यही मैं सोच रही थी, अरे कोरोना हो गया, अरे अब क्या होगा. तो क्या होता है, इतनी नेगेटिविटी. आप मैं कहती हूँ आपके बच्चे हैं कितने स्मार्ट हो गए यार. आज वो जो मैं देखिए, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन और मेरी फ्रेंड्स के यहाँ है, तो वो बताते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में कितना अच्छा टीचर्स पढ़ा रही है, कितनी चीजें बच्चों को सिखा रहे हैं. तो बच्चे आज ऑनलाइन में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं. एक चीज की कमी है, सोशल इंटरेक्शन. मान लीजिए आपके घर में एक ही बच्चा है, तो वो बच्चा अपने हम उम्र के बच्चों के साथ मिलना खेलना ये मिस कर रहा है. लेकिन उसका एक और बड़ा फायदा है कोरोना का, जो आप सब घर में ही है, तो कम से कम आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो आप मतलब मैं कई बार सोचती हूँ बहुत बुरा हुआ कोरोना हुआ, लेकिन जो उससे अच्छा हुआ है, वो मैंने कहा ना मेरी आदत है अच्छा देखने की, कि हस्बैंड को टाइम नहीं है घर में पति से बात, पत्नी से बात करने का, पत्नी को टाइम नहीं है कुछ करने का. तो आज कम से कम सारे फैमिली वाले एक बॉन्ड लगा के तो बैठे हैं. और वो कहते हैं हम तो आपस में लड़ भी पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, सुलह भी कर लेते हैं फिर. लेकिन घर में एक साथ रहने का भी कुछ तो लाभ है, उसको आप बिल्कुल नेगेटिव उसमें नहीं ले सकते. सही बात बोल रहे हैं मैम. अच्छा मैम, अगर अपन बात करें जमाने की, तो कहा जाता है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी. तो मैम क्या अगर इफ यू लुक अराउंड, तो अभी भी ऐसा लगता है कि इज ऑनेस्टी रियली अ बेस्ट पॉलिसी? क्या सच्ची में है ये सारी बातें सिर्फ कहने में है, सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपके पर्सनल एट्रीब्यूट? हाँ, मैं समझती हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि जो इंसान झूठा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है. जैसे मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ, हम लोग जब टीचर्स बन गए तो एग्जाम होते हैं, तो सिफारिशें आती हैं, इसको नंबर दे देना, उसको नंबर दे देना. तो मैंने हमेशा एक रूल रखा कि जो मेरी क्लास में लड़कियां अच्छी हैं, पढ़ने में अच्छी हैं, गरीब हो कैसी भी हो गांव की हो, लेकिन पढ़ने में अच्छी है, नेवेत आती है, उसको नंबर अच्छे मिलेंगे, ऑनेस्ट है. और जो लड़कियां सिफारिशें करवा रही हैं उनको मैं बाद में बुला के भी समझाती हूँ कि बेटा इससे तो तू साल भर आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता ना. या उसकी मदर जब मुझे फोन करती थी या किसी से करवाया, तो मैंने कहा अगर आप मुझे साल के शुरू में ये बात बता देते कि ये बच्ची आपकी रिलेटिव है, तो मैं इसकी साल के शुरू से, नॉट दैट कि मैं औरों की नहीं रखती, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा बुलाती, देखती कैसी फाइल बनाइए, क्यों नहीं कर रही हो, आती क्यों नहीं हो, तो वो खुद में खुद ही साल के आखिर में अच्छा कर लेती. तो मैंने इसके अंदर बहुत, मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि जो ऑनेस्ट है वो उसके हमेशा जीत होती है, और वो हमेशा गर्दन उठा के चलता है, कभी भी वो गर्दन झुका के चलेगा.
ऐसे तो मन कर रहा है कि बहुत सारी बातें करें, खूब सारी बातें करें, पर हमारे संवाद का थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आज का मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछती हूँ। हाँ बेटा। कि अगर भगवान आपसे बोलता है कि ऑल राइट मैं आ चुका हूँ एंड आई वॉन्ट टू यू नो ब्लेस यू विद योर चॉइस, तो मैम आप अगले जन्म में, जैसे अभी आपने मेरा दिमाग का खड़का कर दिया तो अगले जन्म में मैम आप क्या बनना चाहेंगे और आप क्यों बनना चाहेंगे? मैं अगले जन्म में इंसान बिल्कुल बनना नहीं चाहती। मैं बनना चाहती हूँ बतख। बतख क्योंकि वो ही एक ऐसा जानवर है जो चलता है, उड़ता है, तैरता है, दिखने में सुंदर होता है, और वो ही ऐसा जानवर है जिसको पासपोर्ट नहीं चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। वो यूरोप से इंडिया आ जाता है, इंडिया से यूरोप चला जाता है, रशिया से इंडिया आ जाता है, इंडिया से। अगर भगवान मुझे बतख नहीं बनाए तो मुझे कोरल रीफ में मछली बनाए, बहुत सुंदर होती है, ऐसी होती है मछली, इस कलर की, मैं जबरदस्ती चुन्नी ओढ़ के ऐसी कलर की हो गई। और तीसरा मैं बनना चाहती हूँ अच्छे घर में अच्छी ब्रीड का कुत्ता। इंसान तो मैं कतई बनना नहीं चाहती, भगवान जिससे नाराज होता है ना उसको इंसान बनाता है। ये लोगों की गलत फहमी है कि इंसान की योनि बड़ी मुश्किल से बनती है। आज इस धरती पर सब योनियां कम हो रही हैं, शेर कम हो रहे हैं, टाइगर कम हो रहे हैं, जिराफ कम हो रहे हैं, जीब्रा कम हो रहे हैं, तितलियां कम हो रही हैं, बढ़ कौन रहा है? इंसान। कीड़े मकोड़ों को जैसे हमको कर दिया इंसान ने कि तूने ये कर्म किया ना, जा तू इंसान बन जा, जा, जा कपड़े पहन, जा रो, जा धो, जा उलझा रहे अपने सुख दुख में, अपने परिवार में, जा घर बना, जा कपड़े पहन, जा पढ़। मुझे नहीं बनना, गुड गुड, मुझे बतख बनना। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपकी बात सुन के मैम मुझे ना कृष्ण चंद्र की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, उसमें उन्होंने, हाँ कृष्ण चंद्र ने लिखा है। एक्चुअल में क्या है मैम, मैं तो जब आपकी बात सुन रही हूँ और मैंने आपका सीवी देखा तो मैंने देखा कि आपने एनिमल्स बिहेवियर पे बहुत काम किया है, तो आपने जानवरों से काफी बात करी है। कृष्ण चंद्र ने भी अपनी एक कहानी में गधे की आत्मकथा लिखी उन्होंने, और उन्होंने उसमें बताया है कि यार ये जब जानवर आपस में बात करते होंगे और यदि इनमें आपस में लड़ाई हो जाती होगी तो एक दूसरे को गाली कैसे देते होंगे, इंसान कहीं का ऐसे गाली बकते होंगे शायद ये एक दूसरे को। आपके पास नहीं है ऐसा लगा? बहुत सारी चीजों में जानवर हमसे कहीं आगे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आगे, कहीं ये तो मुगालते में रहता है कि मैं सबसे एडवांस हूँ, नहीं है इंसान। तो भैया मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे इंसान तो मत बना। सच मैम, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपने आज साबित कर दिया कि आप इस संध्या काल में भी, जीवन के संध्या काल में भी एक ताजा दम मुसाफिर की भांति यात्रा है। और क्या शानदार आपने जवाब दिया, और क्या शानदार आपने, मैम खून बढ़ गया हमारा भी अपने मरने से पहले। आपकी जो पॉजिटिविटी सबसे बढ़िया दिखाई दी, इंसान सबसे ज्यादा डरता है अपने मौत पर बात करने का, पर आपने उसको इस तरीके से मखौल में हंस के उड़ा दिया कि 10 साल बाद मैं कहां होंगी। बाकी आप जैसे इंसान को बस मैं आखिरी में और बताना चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले मैंने काफी धरती देख ली है, लेकिन मैं अभी भी कुछ चीजें बच गई है जो देखना चाहती हूँ। मैं मर गई, मैं जब ऊपर जाऊंगी तो मुझे भगवान कहेंगे मूर्ख तेरे को धरती में भेजा था, देख के क्यों नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में मैं आपको जीने का हुनर आता है, आपको जीने का हुनर आता है, और इसीलिए जिनको जीने का हुनर आता है ना उन्हें मौत की कला भी आती है। और मैं आपने वो दोनों कलाएं देख रही हूँ। तो एक और जाना तो एक प्रक्रिया है। और भगवान किसको कहती हूं मैं, नेचर को, इस ब्रह्मांड को, ऐसी शक्ति जिसने कि सारे प्लैनेट्स को एक जगह रखा हुआ है, धरती चक्कर काट रही है, सूरज चमक रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऋतुएं आती है, ये मेरे लिए भगवान है। बिल्कुल नेचर, उसको आप राम, अल्लाह, गुरु नानक देव कुछ भी कह दो, लेकिन वो नेचर
जिसको मैं भगवान कहती हूँ। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सर्वधर्म में बिलीव करती हूँ मैं, सर्वधर्म, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई हो, जैनी, सब जगह जाती हूँ। और जाके वैसे उसी श्रद्धा से जाती, वैसे कम हूँ, लेकिन जब जाती हूँ तो हाथ जोड़ के ही आती हूँ। बिल्कुल मैम, आज आप नहीं समझ पा रहे, हम समझ पा रहे हैं, शायद आप नहीं जान पा रहे कि आज आपने हमको क्या दे दिया है। कैसे धन्यवाद करें हम आपका, अल्फाज नहीं मिलते। आज इतना खूबसूरत नहीं होता हमारा यदि आप हमें नहीं मिलते। वाकई हम आभारी हैं आपके कि आपने आज हमको पहचान कराई, उस जगत से पहचान कराई मैम, जो जगत मौन है, मूक है, उन प्राणियों के मन की भावनाओं को आपने किस कदर केवल एक दो पंक्तियों में हमें बता दिया कि अगले वाले जन्म में मैं इंसान नहीं बल्कि उसी जो प्राणी है, जंतु हैं, उनकी जगत में मैं जीना चाहूंगी, उनकी जगत में मैं मतलब एक जन्म लेना चाहूंगी। वाकई मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है मैम कि आपके बताए हुए मार्ग पर हमारे बच्चे, हमारा जो जो यूथ है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और साथ में उस मार्ग के साथ अपने जो नवागत उनकी आस्थाएं हैं, उनका जो चिंतन है, उस चिंतन के साथ वो आगे बढ़ेंगे और नए नए कीर्ति के क्षेत्र में नए नए शिलालेख स्थापित करेंगे। और निश्चित रूप से आज के आपकी जीवन यात्रा से जो हमें एक शिक्षा मिली है ना, उसका हर शब्द कुछ कह रहा है। मैं तो चूंकि हिंदी की और साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो मैं अपनी मन की भावना को आपको चार लाइनों में सुनाना चाहूंगी कि सफर में दुख तो बहुत होगी, तब सको तो चलो। आपकी बातों से जो मुझे लगा, आपकी बातों से जो मैंने एक जिस्ट निकाला, निष्कर्ष निकाला, तो कुछ इस तरीके से रीना मात्र मेरे सामने आती है। किस तरीके से आती है कि सफर में धूप तो बहुत होगी, तब सको तो चलो, भीड़ तो बहुत होगी, नई राह बना सको तो चलो, मुश्किल होगा सफर, भरोसा है खुद पर तो चलो, जिंदगी के कुछ मीठे लम्हे बुन सको तो चलो, महफूज रास्तों की तलाश छोड़ दो, महफूज रास्तों की तलाश छोड़ दो, कोई जुनून बचा है तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीद है, इन्हीं खिलौनों से तुम बहल सके सको तो चलो, दूसरों के बदलने की चाह छोड़ दो, दूसरों को बदलने की चाह छोड़ दो, खुद को बदल सको तो चलो। आपकी बात से और निश्चित रूप से हम आपकी उंगली पकड़ के इसी राह पर चलेंगे जो आज आप मैंने मतलब आपके अंदर क्या देखा, तो मैंने देखा कि ये एक 17 साल की नवयुवती है या 70 साल की एक मैं बोलूं वृद्धा या प्रौढ़ा, मतलब आपने तो मार दिया आज के युवाओं को भी। आपके अंदर तो 17 साल का एक बच्चा मचल रहा था, आपके अंदर एक शिक्षक मचल रहा था, जो वास्तव में जिसके लिए कहा जाता है जो युग बदल देते हैं, जो धाराएं बदल देते हैं, जो वक्त को बदल देते हैं। तो मैंने देखा एक शिक्षक को और मैं भी खुद एक शिक्षक हूँ, आपके शिक्षक को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिले और कल फिर हम मिलेंगे इसी समय। मैं अपने इसको क्लास में एक लाइन और कहती थी जी, वेयर वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। बिल्कुल 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 सही बात। यस मैम, हां लो, इच्छा शक्ति के बल पे तो मैम सारी दुनिया चलती है। और वास्तव में सफलता का राज ही आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। यदि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो निश्चित रूप से आप सारी समस्याओं को पार करके और मंजिल पर पहुंच ही लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय।